हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज हम मोबाइल खरीदने आए हैं, मोबाइल की शॉप पर आए हैं। पकौड़ी गोला का सबसे फेमस मोबाइल शॉप है ये जो आप ऊपर देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा है रियलमी स्टील म्यूजियम। तो इस शॉप में आज हम जाएंगे और मोबाइल खरीदेंगे, तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं, आइए। तो यहाँ पर हर तरह की मोबाइल अवेलेबल है, आप जो भी मोबाइल चाहते हैं यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं और काफ़ी किफ़ायती दाम पर दी जाती है, रिजनेबल रेट होता है यहाँ पर मोबाइल का। तो चलिए हम फिर मोबाइल पसंद करते हैं, फिर डिसीजन लेंगे कि कौन सा मोबाइल हमें लेना है। तो इस शॉप का दाम, दुकान का नाम क्या है? ये स्टील म्यूजियम, रियलमी स्टील म्यूजियम। हाँ नहीं, स्टील म्यूजियम ही दुकान का नाम है। कुछ स्पेशलिटी बताइए आप इस दुकान के बारे में। जब सुनने में आ रहा है कि पूरा अकोड़ी गोला में ये शॉप जो है ज़्यादा बेहतर है दूसरों शॉप से, मतलब हर तरह का मोबाइल यहाँ पर मिल जाता है। ये चीज़ है कि यहाँ पर हर कंपनी का मोबाइल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटा से छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी, छोटा मॉडल, सब आईफोन से लेकर वन प्लस सब चीज़ मिल जाता है। और काफ़ी रिजनेबल रेट पर मिलता है यहाँ पर हर मोबाइल, कोई भी मतलब ज़्यादा दाम नहीं लिया जाता है और कस्टमर्स को चुना नहीं लगाया जाता है और सर्विस भी अच्छा है आप यहाँ का। तो मैं भी आज यहाँ पर मोबाइल लेने आया हूँ, तो मैंने अभी इन्होंने मुझे अभी दिखाया था, काफ़ी सारे मोबाइल दिखाया था, सैमसंग का दिखाया था और वो रियलमी GT Neo 3 दिखाया था और अभी ये वीवो का दिखाया मुझे, और तीनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन यह है सैमसंग का गैलेक्सी A34 5G और वीवो V29e। तो तीनों में जो मैंने बताया आपको उधर रियलमी का भी, इन तीनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादातर बेहतर यही लगा क्योंकि इसमें स्टोरेज अभी ज़्यादा है और इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो वीडियोस वगैरह सब इसके अच्छे हैं। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, चलिए हम देखते हैं फिर बॉक्स के अंदर क्या है। बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, ये आपका बैक कवर हो गया, ये आपका एडाप्टर दिया हुआ, ये केबल है और ये आपका पिन हो गया, ये आपके डब्बा में दिया हुआ है, इसका एडाप्टर क्या कैपेसिटी, इसका वाट कितने का है एडाप्टर? इसका एडाप्टर आपका 44 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है, जो आप फास्ट जल्दी मतलब चार्ज कर सकते हैं। 44 वाट का है? हाँ, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया हुआ है। और इसके बारे में बताइए, एक कर्व है एक्चुअली में, ये जो मोबाइल है वीवो V29e है। हाँ। और ये कर्व है। हाँ, ये स्काई कलर, स्काई ब्लू है, काफी अच्छा है लुक वाइज। बैक का कलर चेंजिंग भी है, अगर आप धूप में जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, अगर धूप में हम जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे हमारा काला हो जाता है धूप में जाने से, इसका कुछ रंग बिरंगा हो जाता होगा ना। इसके बारे में और भी कुछ बताइए वीवो 29e के बारे में। इसका बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल हो जाएगा, फ्रंट आपका 50 मेगापिक्सल दिया है जो आपका बहुत बढ़िया सेल्फी आ सकता है, और आपका एमोलेड स्क्रीन दिया हुआ है और 5000 mAh का भारी पावर बैटरी दिया हुआ है, और बाकी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, इसमें OIS सपोर्टेड कैमरा भी दिया हुआ है, जिससे आप फोटो खींचते हैं अगर आपका फोटो मतलब हिल भी जाता है तो आपका बढ़िया फोटो आएगा। मिस स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइज करता है ये वीडियोस को भी। हाँ, इसका कुछ दिखाया हमें सैंपल कैमरे का, और इसमें मतलब प्रोसेसर क्या बताया आपने? इसमें प्रोसेसर आपका स्नैपड्रैगन 695 का दिया हुआ है।
का हम लोग का डेमो आता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है थोड़ा सा दिखला दे रहे हैं, किस टाइप का वीडियो बनाता है, क्या होता है। ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं इसी मोबाइल से बनाएगा? हाँ, इसी मोबाइल से। तो कंपनी अपना वीडियो उस मोबाइल का बनाकर डाल देता है कि इस मोबाइल से देखिए इस तरह का वीडियो बन जाता है, इसी में इस तरह से पिक्चर क्वालिटी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी हाईफाई कैमरे से? नहीं, वो कंपनी है इसी का बना कर प्रीमियम सेट में अपना खुद का वीडियो बनाकर कंपनी डाल के हम लोग को कस्टमर को दिखलाने के लिए। बाकी अगर इसका डिटेल्स आप अपने से खुद चेक कर सकते हैं इसमें, इसलिए डेमो हम लोग को इसलिए कंपनी प्रोवाइड करता है, कस्टमर आराम से सब चीज़ चेक करके इसका फीचर्स वगैरह, कैमरा क्वालिटी वगैरह आप मतलब कि इसको देखकर देख सकते हैं किस टाइप का कैमरा है, लाइव देखकर तब मोबाइल खरीदिए। ये नहीं कि डब्बा में बंद है, ये चीज़ लिखा हुआ है उस पर नहीं है, आप हर चीज़ इसको चला वला कर देख लीजिए सब चीज़ सही है नहीं है क्या है, तब उसके बाद आप कहिए कि नहीं आप संतुष्ट हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, तब मतलब इसको। काफ़ी मैंने रिव्यू किया, मतलब इसका अनबॉक्सिंग वगैरह भी देखा, यूट्यूब पर देखा मैंने, और मतलब कंक्लूजन निकाला है कि ये जो मोबाइल है बेस्ट रहेगा सबसे, खासकर मेरे लिए। अभी आज के बाद जो आप वीडियो देखेंगे आप इसी मोबाइल से बनाया हुआ देखेंगे, तो मैंने आखिरी में फैसला किया कि यही लिया जाए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है, 256 है और 8 रैम है, 8 GB रैम है, 8 GB + 8 GB आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड रैम दिया हुआ है वर्चुअल, 16 GB हो जाएगा, सेटिंग से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें वर्चुअल स्टैंडर्ड रैम दिया हुआ है जिसको हम बढ़ा कर 16 GB तक कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। तो बस यही था इस मोबाइल में, और काफ़ी अच्छा मोबाइल है, काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इसका अभी बाज़ार में, मार्केट में काफ़ी धड़ाधड़ बिक रहा है, सेल हो रहा है। और V29e मतलब क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, लुक भी वाइज भी अच्छा है, और ये कैमरा की मतलब क्वालिटी भी अच्छी देती है मतलब ये मोबाइल। और हम बाद में देख लेंगे जब ब्लॉग आएगा हमारा, कोई भी वीडियोज़ आएंगे तो इसी मोबाइल से बनाया हुआ होगा, आप खुद ही फैसला कर लेना पहले का और आपका में कंपेरिजन कर लेना आप। तो ठीक है फिर, और इसका कीमत क्या बताया आपने? इसका कीमत आपका 28,999 हो जाएगा। 28,999 एक रुपया छोड़ के बता रहे हैं ताकि कम लगे। टू फिफ्टी सिक्स है उसका रेट है, और 128 GB वाला का रेट आपका मतलब 26,999। मतलब 128 GB का अगर लेंगे आप तो उसमें 26,999 आ जाएगा, और 256 का लेते हैं तो आपका 28,999 आ जाएगा। और ये 256 का है, 256 का स्टोरेज इसका, तो हमने अभी लिया है। और इसके साथ एक बुरी बात है कि इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया है, फिर भी इसका मतलब प्रबंध कर दिया जाएगा, इन्होंने कहा कि कर देंगे, हो जाएगा ना। हाँ, कनेक्टर आता है इसका। हाँ, कनेक्टर आता है, तो कनेक्टर से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, जो अभी जिस माइक को देख रहे हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए नहीं दिया है, तो उसमें कनेक्टर आता है, तो उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मोबाइल हम यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा, फिर भी इसका रिव्यू देखा हमने काफ़ी अच्छा था, और सब लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा अभी मार्केट में काम कर रहा है और यूज़ करने में भी अच्छा है। तो देखिए इस टाइप का कनेक्टर आ जाता है, ये आपका 3.5 mm Type-C to 3.5 mm हो जाएगा, ये आपका Type-C चला जाएगा, इसमें आपका 3.5 mm जैक हो जाएगा, ये आपका यूज कर सकते हैं हेडफोन माइक अपना कोई चीज़ के लिए। तो ये कितने का आता है ये? जैसे हम लोग तो 85 का बेचते हैं, मार्केट प्राइस 120 है, हम लोग 85 कस्टमर को सस्ता प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा इसको हम लोग अपना रेट 85 बनाए हैं, मार्केट रेट 120 है। मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो 120 में, मार्केट में नहीं है, हम अभी के शॉप में, तो इसमें 85 कस्टमर्स के लिए दिया जाता है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी साथ में दे दीजिए, मुझे एक काम आता है। तो हाँ, इस मोबाइल के साथ में देंगे, इसमें हम अमाउंट नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले रहे हैं ये, और इसके साथ दे रहे हैं फ्री में। और भी कुछ दे रहे हैं क्या फ्री में, बता दीजिए? और देख लेते हैं, आपको मान लीजिए कैश में ले रहे हैं ना जी, आपको चलिए मेरे तरफ से, जब आप ब्लॉग बना रहे कर रहे थे, मेरे तरफ से ब्लूटूथ आपको दे रहा है। ब्लूटूथ आपने पिछली बार दिया था, मैंने ही रखा है, जो 8,500 का मोबाइल लिया था ना मैंने, तो उसका ब्लूटूथ मैंने ही रखा है, तो दो हो गए अभी, कुछ और दीजिए, फिर से ले लीजिए, किसी को गिफ्ट कीजिएगा या घर पर यूज कीजिएगा। तो उसकी जगह कुछ और मिलेगा क्या जो मेरे काम के हो?
उसके जगह पर हम देख लेते हैं उस टाइप का क्या चीज़ है आपके मोबाइल में जो यूज हो गया। अच्छा, अभी मतलब दिवाली भी आ रहा है नज़दीक, चाहिए गिफ्ट दे दीजिए, शायद कंपनी आप लोगों को देती होगी गिफ्ट कस्टमर को देने के लिए। कंपनी तो कुछ नहीं देती है, पेन भी नहीं देती, लेकिन हम लोग अपने से गिफ्ट बनाते हैं। अच्छा। कि कस्टमर को क्या दिया जाए, इसलिए कि साल भर का यही दिन होता है कि कस्टमर को कुछ कुछ देना पड़ता है, हम लोग अपने से गिफ्ट बना के देते हैं जी। तो इसके साथ हमें एक और गिफ्ट मतलब बोल रहे थे कि ब्लूटूथ जो हेडफोन होता है ना वायरलेस, वो दे देंगे, लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके जगह पर मैं बोल रहा हूँ कुछ और दे दीजिए। काफ़ी अच्छी बात है, चलिए फिर हम इतना ही बस, आगे हम यूज़ करेंगे इसका और इससे वीडियो बनाएंगे, तो आपका इसका इसके द्वारा बनाया हुआ वीडियो डालेंगे, फिर आप देख लेना कि क्या फ़र्क पड़ता है अभी के वीडियो में और इससे बनाए हुए वीडियो में। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए दुनियादारी एक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।